नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजाज वर्ल्ड ऑफिशियल पे। तो चलो शुरू करते हैं। तो अंजलि जैसे ही करीब आई उक शख्सियत की, उसने देखा एक बुजुर्ग औरत जिनका चेहरा जिंदगी का गमों से भरा था, और उस औरत की नज़र टिकी हुई थी अंजलि पर। तो एक पल के लिए अंजलि को ऐसा लगा जैसा उसे परखा जा रहा है, उसकी आत्मा तक छू गई। बुजुर्ग औरत ने पूछा, कौन हो तुम? गांव की सन्नाटे में उसकी आवाज हवाओं को चीरती हुई अंजलि की कानों तक आती है। अंजलि घबरा हुआ थी और समझ नहीं पा रही थी कैसे जवाब दे। मैं एक पत्रकार हूँ और मेरा नाम अंजलि है। अंजलि बोली, दरअसल मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस यहाँ पर जिज्ञासु। बुजुर्ग औरत ने बीच में टोकते हुए कहा, हाँ मैं ये एहसास को अच्छी सी समझती हूँ। अंजलि को बेचैनी महसूस हुई और सोचने लगी, ये औरत, बुजुर्ग औरत जो भी है, लग रही थी जैसे वो सिपुर गांव की रास की अकेली रखवाली हो, अपनी उम्र से ही ज़्यादा समझदारी और बोझ रखती थी। दोनों बातें करते करते गांव की अंदर की तरफ बढ़ रही थी, तो अचानक अंजलि मिट्टियों के घर की बनी हुई खिड़की से अंदर में झांकी और देखती है एक टूटी हुई शीशा, एक अकेली कुर्सी जिसका कुशन गल गया था, और अतीत के कुछ टुकड़े उसे खींच रही थी अपनी कहानी सुनाने के लिए। तभी अंजलि ने दूर एक आदमी को देखी जो एक गिरते हुई इमारत के साये में चल रहा था, और देखते ही देखते गायब हो गया था। अंजलि ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर कामयाब ना हो पाई। तभी उस औरत ने कहा, वो इंसान नहीं, एक भटकती हुई आत्मा है जो जिंदा इंसानों को दिख जाती है। तो ये देखकर और बुजुर्ग औरत की बात सुनकर अंजलि डर जाती है और फैसला करती है लौट जाए अपने ऑफिस में। अंजलि आज का विज्ञान में यकीन करने वाली इंसान थी, पर वो जब खुद अपनी आंखों से सिपुर गांव में जो एक्सपीरियंस किया, तो उसे पता चल गया कुछ ऐसे चीज़ भी है जो विज्ञान से भी परे है, जिसका वजूद विज्ञान को भी पता नहीं। पत्रकार अंजलि ने सारे दुनिया को बताई कि सिपुर गांव सच में भूतिया है। तो दोस्तों, आप लोग का फीडबैक के लिए हमारा कमेंट बॉक्स इंतज़ार में है, तो आप लोग का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।